भाजपा चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने 80 भाजपा प्रत्याशियों की ली बैठक, चुनाव जनसंपर्क, मतदान और मतगणना की तैयारियों तक पर की विस्तृत चर्चा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर नगर निगम चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को नगर निगम चुनावों के लिए 80 वार्डों में नामित भाजपा प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रत्याशियों से जनसंपर्क, मतदान और मतगणना तक की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा करते हुए सभी प्रत्याशियों को राज्य की कांग्रेस सरकार की नाकामियों और कुप्रबंधन को जन जन तक पहुँचाने के लिए कहा गया। साथ ही भाजपा नेतृत्व की योजनाओं को सबको बताने और समझाने के साथ ही 28 जनवरी को कमल के फूल पर मतदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा। चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा 80 में से 70 वार्ड में निश्चित जीत दर्ज करने जा रही है और मेयर और बोर्ड दोनों ही भाजपा के बनेंगे। इस मौके पर मुस्लिम बाहुल्य वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन और जनसंपर्क भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनिता बदेल, विधायक सुरेश रावत, जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रिय शीलहाड़ा, चुनाव संयोजक धर्मेंद्र गहलोत, सह संयोजक संपत सांखला, युवा मोर्चा और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जो वार्ता रखी गई क्या था? देखिए, नगर निगम के चुनाव के नाम वापसी और पूरा काम हो चुका, अब प्रत्याशियों का चुनाव का प्रचार इस दिशा में पूरा जोर सब लगा हुआ है। उसी के तहत आज हमने सभी 80 वार्डों में कुछ देहात के, कुछ शहर के, कुछ कार्यकर्ताओं को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में प्रभारी के नाते लगाया। दिन में 12 बजे उनकी बैठक थी, जिसमें उनको पूरी कार्ययोजना के बारे में चर्चा की और उसके बाद यहाँ जितने भी 80 प्रत्याशी हैं उन सब प्रत्याशियों के साथ बैठ कर के जनसंपर्क और पूरी पोलिंग वाले दिन उसके बाद काउंटिंग तक की योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए उन सबसे एक आग्रह किया है कि राज्य सरकार के जितनी भी नाकामियां उनको लेकर के जाएं, पिछली भाजपा सरकार के अच्छे कामों की चर्चा, नरेंद्र मोदी जी के कामों की चर्चा, इन सब को ले जा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वोट देने की अपील करने का आग्रह किया। जो निर्दलीय बने हैं भाजपा से बाकी होकर के, आपने उनको भी आने के लिए कहा था, उनमें से कितने आए हैं? नहीं, हमने किसी भी जिन्होंने बागी चुनाव लड़ा है उनको नहीं बुलाया था। भारतीय जनता पार्टी का जिनको सिंबल है, आज भाजपा के प्रत्याशियों की बैठक थी। जो भी अब हमने पहले विड्रॉल तक काफ़ी प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने नाम वापस लिए, अधिकांश ले लिए, 5-6 जिन लोगों ने अभी भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अपना नामांकन भरा हुआ है, आज शाम तक, कल दोपहर तक हम प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद पार्टी के संविधान में इस अनुशासन के नाते से स्पष्ट व्याख्या है, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ेगा उसको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाएगा। सब भाजपा का जो बोर्ड बनना है उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है आपने? पार्षद जीतेंगे, पार्षद जीतने के बाद कौन महापौर बनेगा, कौन उपमहापौर बनेगा, इस विषय में हम सब बैठ करके तय करेंगे प्रदेश नेतृत्व की सहमति से। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।